सामने है, आप लोग सब वो नॉवेल वो उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना उसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं और वो कितना हम उसमें सफल हो पाए हैं। सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा देविंदर जी को, जो के प्रकाशन के पब्लिकेशंस के ओनर हैं और उनके भाई साहब। तो उन्होंने, जब उनको ये चीज़ के बारे में बताया गया था तो उन्होंने इस अक्षर यज्ञ में हमारा साथ देने का विचार किया और उन्होंने सफलतापूर्वक इसे बहुत छोटे समय में पूरा किया। मुश्किल से 14-15 दिन के अंदर ये किताब जो है आप लोगों के सामने आ गई है। तो ये जो पूरी की पूरी किताब की पृष्ठभूमि है वो ये है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इस किताब को अवश्य पढ़ें और हमें ज़रूर बताएं कि उस किताब में हमने क्या कमियाँ छोड़ दी हैं। अच्छाइयाँ तो होंगी, वो अपनी जगह छोड़ दीजिएगा, बुराइयाँ ज़रूर हमें या कमियाँ बताइएगा ताकि हम अगले एडिशन में उसे और बेहतर करके आप लोगों के सामने पेश कर सकें। अतिथि हैं और इन सब से मेरा संबंध बहुत पुराना है तो है, लेकिन मतलब अतुल जी बहुत बहुत जहीन, बहुत अच्छे हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरे एक कॉल पर वो यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच अतुल जी। कमलेश पांडे जी मुझे अभी धमका रहे थे थोड़ी देर पहले, इश्क बेटा रंग दे बसंती, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में इनकी कलम से निकली हैं, और पता नहीं पहले तो मतलब बहुत पहले अगर मुझे पता चला होता कि कमलेश भैया ही मेरी फ्रेंड के भाई हैं तो मैंने कब के इनके घर धमक जाती, पर बोलते बहुत देर से इनके बारे में पता चला मुझे। इतनी इतनी प्यार से हमेशा, इतना प्यारा इनका स्वभाव है और इतना, मेरे फेसबुक पर हमेशा इनके कमेंट्स होते हैं, वरना फेसबुक में अक्सर लोग है ना देख कर करते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली है, बहुत पहुँच वाली है, तो मैं इसके बारे में करूँ। पर अल्लाह जी मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप हमेशा मुझे अपना स्नेह देती हैं, तो आपका धन्यवाद। और मेरी प्यारी शोमा दी, आज हमें बहुत साल हो गए हैं, रात को 2 बजे भी अगर ये मुझे फ़ोन करें या मैं इनको फ़ोन करूँ, एक दूसरे का फ़ोन लेते हैं, और इन्होंने मुझे डांट डांट के मेरी पहली किताब कि तू कर, तू लिख, उसका विमोचन कर, और मैंने इनसे ये वादा लिया था मैं विमोचन करूँगी उस दिन, आप चाहे आपका फॉरेन में भी कहीं प्रोग्राम होगा आप नहीं जाएंगी, और शोमा जी ने उस वादे को निभाया था। और बहुत ही इनके लिए तो एक छोटी सी बात ये है कि एक बार भगवान ने एक अमृत की प्याली रखी और एक बच्चे को दी कि तुम पूरे विश्व में बांट दो, वो बच्चे पूरी प्याली खुद पी गई। तो बाद में भगवान ने बोला बेटा तुमने बांट दिया, बोले मैं तो पी गई, खुद पी गई अकेली। बोले कोई बात नहीं है, अब तुम अपनी आवाज़ से वो अमृत पूरे सबको बांटना। तो ये हमारी बिस्मिल्लाह खान साहब की मानस पुत्री शोमा घोष। और बहुत 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 मेरी प्यारी सूर्य बाला जी, मैं सच बोलती हूँ कि मुझे, हाँ ठीक है पहले तुम ही आ जाना, लेकिन आधा मोर्चा उन्होंने संभाल लिया, उसके बाद अलका जी आ गई, पूरा मोर्चा उन्होंने ले लिया। थैंक यू आपका। तो मेरे लिए ऐसा कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जितने भी महान लोग बैठे हुए हैं, मैं तो अदना सा बालक हूँ सर आप लोग के सामने, मैं बस आप ही लोगों को देख रहा था, हमारे इस सोच में, खुशी में आप लोग शामिल हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी अदृश्य पहली फिल्म है, मैंने सोचा एज ए न्यू डायरेक्टर मैं क्या सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, मुझे लगा कि पहले तो बहुत बड़ी बजट की फिल्म मैं बना नहीं सकता था, तो मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुनना था जिसमें कंटेंट हो, दर्द हो, प्यार हो और थोड़ा डर भी हो। तो अदृश्य इस तरह से मैंने लिखना शुरू किया। पहले मुझसे संपर्क किया 15 से 17 दिन पहले, और किताब पढ़ने के बाद, वो किताब के बारे में सुनने के बाद, इवन मैंने भी पूरी किताब पढ़ी है, मतलब मुझे लगता है इस पूरी किताब का निचोड़ एक ही है, बच्चे को सब कुछ दें लेकिन समय जरूर दें। मैं अलका की बात करूँगी, अलका के लिए, जिसके लिए मैं आई हूँ, अलका और आपके लिए, आप लोग हैं तो हम फनकार हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो अलका और आपके लिए एक शेर कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ करूँ तो इबादत हो जाती है।
जिंदगी में दोस्त की बहुत ही अहमियत होती है, तो अलका मेरी ऐसी दोस्त है। और सबसे पहले मैं जो उन लोग दिग्गज लोग बैठे हैं, सूर्य वाला जी तो प्रातः स्मरणीय है, हम लोग का इंस्पिरेशन है अचला जी, हमारे हस्बैंड के साथ मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ आपसे, बहुत बहुत बड़ी लेखिका है पांडे जी, अतुल जी आपकी हमारे घर पे आना जाना बहुत ही विद्वान, और हरी मिदुल जी से तो मेरी बहुत बात होती थी टेलीफोन में, आज पहली बार उनको मैंने इस तरह से सुना, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। सामने इतनी बड़ी बड़ी कवित्री बैठी है, दीप्ति जी कविता जी। आज मुझे बाहर जाना था, लेकिन मैंने कहा ना कि कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, मुझे इस खुदा के लिए आज रुकना पड़ा, तो मैं इसकी चाहत को अधूरी नहीं रख पाऊंगी। आज माइक भी नहीं है गाने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी लिखी हुई ये, और मेरी भावनाओं को अलका अपने कलम से लिखती है। कभी भी मेरा कोई भाव आता है मैं तो लिख नहीं पाती हूँ, वो लिख के देती है मुझे, और आज उसकी भाव को मैंने कहा कि तुम्हारी ये गाना कैसे गाना है बताओ, तुम कुछ गुनगुनाओ मुझे, तो वो जो गुनगुनाई थी मैं उसी तर्ज में उसी उसकी भावना को मैं अभी चलते चलते ही मैंने किया है। कल भी पूछी थी शोमा जी कुछ आपने सोचा, अरे मैं सोच लूँगी तुम्हारी सुर को मैं सोच के गाऊँगी, तो दो लाइन पेश है। बच्चों के ऊपर, बच्चों की समस्या के ऊपर,
और आप सबको बताऊं, आप सभी जानते होंगे कि ये हम सबकी दुखती रग है। आज जिस तरह मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप बच्चों को दोष मत कीजिए, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, आप माता पिताओं की युवा अभिभावकों के लिए वर्कशॉप करिए, उन्हें नहीं पता है कि उनका क्यों आजकल छोटे छोटे बच्चे इस तरह करने पर आप हत्याएं कर रहे हैं। बच्चों के मन को किसने समझाया? अलका ने अक्सर मुझसे कहा है, मेरी एक कहानी है माय नेम इज ताता, एक छोटी बच्ची की कहानी माय नेम इज ताता। अलका ने मुझसे अक्सर बहुत 20 साल पहले से, आप कैसे बच्चों के मन को पढ़ पाती हैं, आप कैसे बच्चों के मन की बात करती हैं। संदीप को मैं यही बहुत बड़ा मुबारकबाद दूंगी, बहुत बड़ी चीज़ दूंगी, समाज के कल्याण की बहुत बड़ी चीज़ को लेकर आप चले हैं आप, और आप, मैं आशीर्वाद देती हूँ, हम सब ये शुभकामना देंगे कि आप इसमें ज़रूर कामयाब हों। स्वागत है और दरख्वास्त भैया, मैं भी कभी फिल्म में लिख लेता हूँ, मुझे मौका देना। अलका बहुत बदमाश लड़की है, हमेशा अपने रिश्ते का फ़ायदा उठाती है, मगर इस बार मुझे उससे ईर्ष्या होती है, क्योंकि मैंने कई बार सोचा मेरी इतनी स्क्रिप्टें हैं, करीब 45 फिल्में हैं, उनको उपन्यास जब गलत, मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई, या तो आलस या कुछ और, मगर अलका जो है मुझसे दो कदम आगे निकल गई। लड़कियाँ बड़ी तेज़ हो रही हैं आजकल, तो हम लड़कों को होशियार रहना है। जहाँ तक इस किताब का सवाल है, ये एक तरह से नया प्रयोग है हमारे यहाँ, हमारी इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में तो होता रहा है, पहले फिल्म बनती है फिर द बुक ऑफ द फिल्म रिलीज़ होती है, क्योंकि ये दो बहुत अलग अलग विधाएँ हैं, फिल्म अलग है, सिनेमा अलग है, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मगर दोनों का व्याकरण बहुत अलग होता है, और कभी कभी उपन्यास को फिल्म में उतारना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उपन्यास आपको एक आज़ादी देता है। फिर संदीप जी को और फिर विवेक भाई को बहुत बहुत बधाई कि आज ये कमाल का संगम यहाँ देखने को हमें मिल रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज ज़्यादा वजन इस प्रणव में मंच का है या इस ऑडियंस का है, जहाँ की अटल जी, दीप्ति जी, कविता जी, डॉक्टर सिंह गुप्ता जैसे तमाम साहित्यकार, खन्ना साहब वहाँ बैठे हुए हैं, और मैं जब वजन की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बौद्धिक वजन के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे वजन का ताल्लुक है, आंसर बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे वरिष्ठ लेखक कह के कहा, क्योंकि ज़्यादातर मंचों पे मुझे गरिष्ठ लेखक करके बुलाया जाता है, वरिष्ठ लेखक करके नहीं बुलाया जाता है, तो ये सचमुच दोस्तों, मैं इतने विद्वानों ने इतनी अच्छी बातें कही, खास करके कमलेश जी ने, और बड़ा अच्छा है कि उन्होंने यहाँ पे नोबेंदु घोष जी की बात की, नोबेंदु दाखे जो मेरे गुरु थे, जब बौद्धी घर आई थी तो मैं उस घर में, मेरा आना जाना लगातार होता था, और मेरे ख्याल से जिस सफल एडाप्टेशन की आपने बात की कि उपन्यास को कैसे उन्होंने फिल्म बना दिया, वो नोबेंदु घोष जैसा व्यक्ति ही कर सकता था अलका जी, जो कि एक उपन्यासकार भी थे और स्क्रिप्ट लेखन में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था, कलकत्ता में एक उपन्यासकार के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और मजे की बात यह है कि स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे अपना लंबा करियर निभाने के बाद में सबसे ज्यादा उम्र के डेब्यूटेंट डायरेक्टर का अवार्ड कमाने के बाद में 77 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड लिया था, नेशनल अवार्ड, और वो कमाने के बाद में जब वो वापस अपनी जन्मभूमि कलकत्ता गए तो वापस नॉवेल्स की दुनिया में पहुंच गए, और उनके बाद के नॉवेल्स भी पढ़ने लायक है, उनकी बाद की किताबें भी देखने लायक है। मैं भी आपके घर में था, कलकत्ता वाले घर में, और वहाँ पे मैंने बहुत सी किताबें जो यहाँ बम्बई में नहीं मेरी नज़र से गुजरी थी वो भी मुझे देखने का मौका मिला। तो ये दो विधाओं में चल सकने वाले लोग, और आज इन दो विधाओं का यहाँ पे एक जिस तरह से संगम है और ट्रांसफरेंस है फ्रॉम वन टू द अदर, वो जरूर देखने वाला है। मित्रों, मुझे ज़्यादा संस्कृत संस्कृत नहीं आती है, लेकिन मुझे एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है कि गीता का, कि एनम चदंति शस्त्राणि न चैनम दहति पावकः वगैरह वगैरह, जिसमें गीता ने दो चीज़ों की बात की है कि आत्मा नाम की चीज़ अजर अमर है, कभी मिटती नहीं है। दूसरी चीज़ की बात जिसने गीता ने की वो है प्लास्टिक की बात है, कि प्लास्टिक भी कभी मिटता नहीं है, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको पानी गीला कर सकता है, ना उसको हवा उड़ा सकती है, ना उसको कोई नष्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से एक तीसरी चीज़ की बात भी गीता को पढ़नी चाहिए थी, और वो है कथाएँ, कहानियाँ। मुझे लगता है कहानियाँ भी मरती नहीं है, मिटती नहीं है।
मैं जब बात कर रहा था कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली तो हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली का जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ, सब कुछ जो हो सके करता है मेट्रोज में, लेकिन बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं देखते। दौड़ भाग में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते ही नहीं। तो ये इसी चीज़ को बेस पे रख के ये कहानी लिखी गई है। 3 तारीख को रिलीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या मतलब थॉट प्रोसेस था जब आपने कास्टिंग की? और देखिए, मैं जब कहानी लिख रहा था तो मैंने सोचा कि ये मेरी पहली फिल्म है, बड़ा स्टार कास्ट आना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा यह था ही कि मैं पहले कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाऊंगा और बच्चों के साथ खेलूंगा, बच्चों की फिल्म होगी, और बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चों में स्टारिज्म होता नहीं है और बच्चों से बड़ा स्टार कोई होता नहीं है। इसमें कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। बुक चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिल्म चल जाएगी, फिल्म चल जाएगी तो बुक ऑटोमेटिकली चल जाएगी, तो कुछ भी चलेगी तो जीत तो मेरी होने वाली है। क्या बात है, क्या प्रिपरेशन की है पूरी फिल्म के लिए और एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं? देखिए, ये पहली फिल्म ऐसी होगी छोटी बजट की फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ जो पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है। एक भी ऐसा टेरिटरी नहीं है जो हमने छोड़ा है, पूरे समस्त भारत में। इनफैक्ट केरल में फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिलनाडु में इस तरह की फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं इतना लकी हूँ कि ये फिल्म, मेरी फिल्म जो है तमिलनाडु में भी रिलीज़ हो रही है, आसाम में भी रिलीज़ हो रही है, केरल में भी रिलीज़ हो रही है, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आप रवि कुमार जी, जी प्लीज़ आप जी पूछिए। जी सर, आप कैसे हिस्सा बने इस फिल्म का और क्या कहेंगे इस फिल्म के, जिस तरह का टॉपिक है फिल्म का, हॉरर टॉपिक है, क्या कहेंगे उसका? हाँ, ये जो फिल्म का टॉपिक है डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग है, और जब संदीप जी ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं रो दिया था, इतनी इमोशनल कहानी थी। इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं लकी हूँ कि ये जो करेक्टर मुझे करने को मिला और मैं इस करेक्टर को जिया हूँ। आई रियली इन्जॉयड दिस करेक्टर, और ये एक संदेश भी देती है ये फिल्म, जो आज का जो माहौल है, बच्चे और पेरेंट्स कैसे आपस में दूर होते जा रहे हैं, तो उसको एक बहुत अच्छा मैसेज देके जाती है कि इन सब हालातों के साथ आप बच्चे को किस तरह से आप उसको अपने से दूर ना रखें। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, टेक्निकली बहुत बेहतरीन फिल्म है, अच्छी कहानी लोगों को देखने को मिलेगी और एक अच्छा संदेश भी उनको देखने को मिलेगा। मैंने ये जो इसमें फादर का जो कैरेक्टर है वो मैंने प्ले किया है, जो बच्चा जिसके साथ वो प्रॉब्लम है उसके, मेरी कुछ फैमिली में कुछ ऐसे मेरे जो कमिटमेंट्स हैं, जो मैं बिकॉज आई एम ए बिजनेस मैन, सो मैं पूरा ध्यान अपने बच्चे को नहीं दे पाता हूँ, और कोशिश भी करता हूँ ध्यान देने की, लेकिन वो बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा समय के बाद फिल्म में उसको ये रियलाइज़ होता है कि कुछ घर में कुछ और मुझे थोड़ा सा शायद मुझे और इग्नोर किया जाएगा, और इस वजह से वो और उनसे दूर हो जाता है, और यही मेरा बेसिकली करेक्टर है। तो अपने अल्टीमेटली हम उस समस्या को हम किसी भी तरह से जिस इस फिल्म में, बिकॉज मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, तो हम अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आते हैं और बहुत अच्छा एंडिंग है फिल्म। मेरे साथ आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? आप बॉम्बे में देखे हैं कैसे माँ बाप जो काम पे जाते हैं और बच्चे घर में अकेले रहते हैं, या तो ट्यूशन पे जाते हैं या किधर उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बोल रहे हैं। मैंने मैंने स्टडीड दिस ऑब्वियसली, मैं पहले कई पेरेंट्स से बातें की, कई बच्चों से मेरी बात होती थी। तो एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि मैंने दो बच्चे थे, मैंने उनको पूछ लिया कि बेटा बताओ कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी या पापा? तो छोटा वाला हंस रहा है, बोले क्या हो गया? तो बोलता है नहीं नहीं मुझे तो मम्मी, अरे दूसरे बोले मुझे तो पापा। तो ऐसा जबकि नहीं होता है, डिवाइड जो पेरेंट्स हैं वो सभी को बराबर से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा का वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बच्चे की सोच है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में।
मेरे साथ और भी एक्टर्स हैं, निधि बिल्कुल दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू. हाई एवरीवन, माय नेम इज़ निधि महावन और मैं अदृश्य में सोनाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. मेरा और ध्रुव जो अदृश्य में अब्दुल प्ले कर रहे हैं, मेरा और इनका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है. मैं इनकी नानी का रोल प्ले कर रही हूँ तो काफ़ी मज़ा आया इनके साथ काम करके. सैंडी बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जब स्टोरी हम लोगों ने सुनी तो स्टोरी सुनने के बाद में इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग क्योंकि बच्चों के बारे में ये स्टोरी है. बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं जब घर में दूसरा बच्चा आता है, तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने अपने अपने रोल्स पे काफ़ी काम किया और संदीप ने हम लोगों को काफ़ी हेल्प किया टू गेट इन टू द रोल्स और ताकि हम अपना बेस्ट दे पाए ऑन स्क्रीन. थैंक यू सो मच संदीप. अब तो आप अपना परिचय दें और अपने किरदार के बारे में बताएं, कैसा रहा सफर पूरी फिल्म और एंटायर ग्रुप के साथ, कैसा रहा, क्या कुछ करना है. हेलो, मैं इस मूवी में ध्रुव का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेन लीड का. और जैसे मेरा जो पहला सीन था जो ट्रेलर में भी है, गेट खोल के अंदर आना, वो सीन में सर ने मेरा बहुत सीन किया था. वो मिल नहीं रहा था, वो गेट जल्दी खुल नहीं पा रहा था, बहुत टाइट गेट था, तो उसमें सर ने बहुत मेरा सीन लिया है. और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो भी सर ने मेरा जो एक सीन है जो मैं भागते हुए आ रहा हूँ उसमें मेरा डर का भी जो दिल में डर था वो निकाल दिया सर ने. और प्रमोशन को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ डायरेक्टर ने आपको ब्रीफिंग दी है प्रमोशन कहाँ कहाँ करने वाले हैं और चेक वगैरह मिल गया है क्या? प्रमोशन का तो कुछ अभी तक पता नहीं है, अभी आज यहाँ पर ही बड़ा है तो यही प्रमोशन. बेसिकली हम लोग, यस दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन और हम लोग सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं, प्रमोट कर रहे हैं. सो वी वांट योर सपोर्ट. ट्रेलर भी चल रही है, ट्रेलर्स भी चल रहे हैं, सो व्हिच इज वेरी गुड. सर विशा कितने थिएटर में रिलीज हो रहा है, जैसे आपने बताया कि ऑल इंडिया ये 250 थिएटर पर रिलीज़ हो रहा है. फर्स्ट वीक का हमने यही पकड़ा हुआ है और अगर फिल्म थोड़ी भी चल जाती है मैं उम्मीद करता हूँ ये 300 350 थिएटर पहुँच जाएंगे. प्रमोशन को लेकर कुछ दिन ही बचे हुए हैं, क्या क्या तैयारी? सोशल मीडिया नेटवर्क आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ पर हम आगे बढ़कर प्रमोट कर रहे हैं. ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं बचा है जहाँ पर शायद हमारी फिल्म की बात ना हो रही हो. ट्रेड में बहुत ज़्यादा हलचल है, ट्रेड में सभी लोग जानते हैं कि अदृश्य एक फिल्म है जो 3 तारीख को लगने वाली है. तो ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए और कैसे, मतलब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया और कैसे कोलैबोरेशन हुआ, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. संदीप चटर्जी मतलब बहुत अच्छा राइटर भी है जहाँ मेरे ख्याल है, उन्होंने स्पेशली हमारे पास इंट्रोड्यूस के लिए मिस्टर रवि इज इंट्रोड्यूस मी टू मिस्टर संदीप. तो ये स्टूडियो में आए थे हमारे ऑडियो लैब, तो उन्होंने कहानी सुनाई, तो कहानी भी मुझे अच्छी लगी, उससे अच्छे इंसान अच्छे लगे, तो हमने सोचा तो मिल गया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए. तो दीपक जी इज जॉइंड अस एंड दीपक जी ने बहुत कॉपरेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी एबल टू फिनिश फिल्म ऑल्सो. तो सारे इस तरह आगे बढ़ते गए एंड अप टू 3 दिन आफ्टर 3 डेज 4 डेज वी गोइंग टू रिलीज द मूवी ऑल्सो. एंड सर फिल्म के स्टारकास्ट भी नहीं है तो मतलब कितना डिफिकल्ट या फिर इजी हुआ आपके लिए और कितना मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है जब डेफिनेटली नया शहर के साथ में सभी लोग बोलते हैं वो डिफिकल्ट होता है, मैं भी मानता हूँ डिफिकल्ट होता है, मैं भी खुद देखता हूँ साल में 30-40 फिल्म हमारे यहाँ पे भी बनता है सभी तो. बट वी आर सो ग्रेटफुल फॉर आवर सब्जेक्ट एंड डायरेक्टर कि हमारा ऑल इंडिया क्लोज हो चुका है, हमारा ऑल इंडिया क्लोज हो चुका है और स्पेशली वी आर रिलीजिंग इन तमिलनाडु एंड केरला जो हिंदी फिल्म ही नहीं होता है वहाँ पे भी 25 सिनेमाज बुक हो चुके हैं हमारे. सो लाइक वेयर वी लाइक इट्स वेरी ग्रेट सक्सेसफुल फॉर अस ऑल्सो. ब्रीफ ये मिली थी कि ये बच्चों की कहानी है जिसमें टिंच ऑफ हॉरर है, तो बिल्कुल अलग सा लगा कि इतना प्यारा सा हॉरर है कि आप डर से नहीं जाओगे, जो है ना लाउड हॉरर नहीं है. तो पहली बात तो ये एज एन एक्टर हम ये सोचते हैं यार कि एक डायरेक्टर ने हमें अप्रोच किया है, स्टोरी सुनते स्टोरी बहुत प्यारी लगी और कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था और जो एज एन एक्टर आई लुक
फॉरवर्ड टू डू अ यू नो गुड रोल. तो मुझे ये लगा कि पूरी मूवी में जो स्ट्रगल है एक बच्चे को साइकोलॉजी को पढ़ना समझना, जो उसका स्ट्रगल है उसके साथ क्यों ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा कैसे है. सो थ्रू आउट द मूवी यू सी मी. सो आई थिंक यू नो एंड एज यू आस्क के नए बच्चों के साथ नए एक्टर्स के साथ मूवी बनती है तो चैलेंज तो ऑफ कोर्स इज़ द चैलेंजिंग और इट्स रिस्की थिंग एंड आई बिलीव आप लोगों का सपोर्ट रहेगा. और एज एन एक्टर आई बिलीव उनकी प्रेफरेंसेज जो रही है चूज़ करने में बच्चों की स्पेशली एज इसे इसमें भी अदृश्य में बच्चों का ही दिख रहा है पोस्टर में. तो पाखी और अब्दुल ने आई वुड से आई वर्क विद लॉट ऑफ किड्स, इन लोगों ने बहुत ही अमेजिंग काम किया. ये एक सेंट्रिक अट्रैक्शन होगा मूवी का कॉन्टेंट एज यू ऑलरेडी हर्ड मूवी की जैसे ये पब्लिश हो रहा था उस समय आपने देखा कि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है. एज एन एक्टर वी एवरीबडी यू नो व्होएवर इज इन एज अ पार्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब. एक गाना है जो आपने सुना भी वो भी बहुत प्यार से लिखा गया है जो बैकड्रॉप में आते रहेंगे. सो एक अच्छी मूवी बनाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने. एज एन एक्टर हम लोगों ने बहुत मेहनत की है काम करने को और दिल के करीब है. सैंडी की फर्स्ट मूवी है संदीप चटर्जी की. आई एम पॉजिटिव के बहुत अच्छा करने वाली. कॉम्पिटिशन है तो अच्छे बड़े मूवी से बट आई एम पॉजिटिव के हम लीड करेंगे, हम आगे करेंगे. कॉन्टेंट बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो फैमिली के साथ देख सकते हो और सब लाइक करेंगे. हम बहुत पुराने दोस्त हैं, लोग काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हैं. जब कहानी हमारी डिस्कस हुई तो किस तरीके से सोशली, जैसे कि संदीप ने भी बताया कि साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट किया है, कि बच्चों के माइंड को किस तरीके से पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए या उनको कैसे नर्चर करना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को ये ना समझें कि उनको इग्नोर किया जा रहा है किसी भी बच्चे को. तो उस तरीके से इस पूरी फिल्म को वीव किया है. और मेरा कैरेक्टर एक साइकेट्रिस्ट का है जो इसमें पूरी फिल्म की जो बिखरी हुई कड़ी है उसको जोड़ता है और कैसे वो पिक्चर पूरी आगे जाती है. तो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, सबके साथ बहुत मज़ा आया और होपफुली सबको मज़ा आएगा फिल्म देख कर. या डेफिनेटली इस फिल्म में ऐसा हो गया कि ये प्रोड्यूस के साथ साथ ऑल इंडिया रिलीज भी हम खुद ही कर रहे हैं. तो एक्चुअली दीपक शाह जी भी हमारे साथ में भी है. तो बेसिकली क्या होता है कि अच्छा लगना चाहिए, सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, टच होना चाहिए. तो वर्किंग सो और वैसे भी मेरा फ्यूचर में प्लान ये था कि यूट्यूब का मैंने प्रोड्यूसर. सो इससे पहले भी मैंने दो तीन प्रोजेक्ट किया हुआ एज ए जी वी में बट दिस विल बी लाइक मेन स्क्रीन से शुरुआत होगी. चलिए अभी इस तरफ चलते हैं. सर है और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब संदीप चटर्जी ने जी ने मुझे बुलाया था तो इन्होंने मुझे क्राइम पेट्रोल एक टीवी पे शो आता है जो काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ तो इन्होंने देखा था और इन्होंने कहा जो आपकी एक इमेज है आपको इस इमेज से अलग करना है. तो आप जैसे दिखते हैं मारते रहते हैं क्रिमिनल्स को या ऐसा आपको ये नहीं करना है. मैंने कहा यार ये तो मैं यही करता हूँ, इसी के लिए तो मुझे बुलाया जाता है. तो इस फिल्म में जो है ये कॉमिक कैरेक्टर का जो है मुझे दिया गया है कि एक आप सर आप जो है एक पुलिस ऑफिसर तो रहेंगे लेकिन उसमें कॉमिक जो है जहाँ पे एक लाफ्टर की ज़रूरत है आप सतर्कता दिखाएंगे, आप केस सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें एक कॉमिक टाइमिंग जो है वो रहेगा. तो मेरा और डॉक्टर शास्त्री का जो है आपस में टशन रहता है लेकिन इस केस के तहत जो है हमें आपस में मिल के काम करते हैं और पूरी केस को सॉल्व करते हैं. तो ये एक पूरा समझ रहे हैं. His maiden venture will certainly bring him a debut director award. He has worked very hard and he is very emotionally attached to the film and we are proud of his achievement and I wish him luck. Thank you. Wish you all the best. Thank you so much. आज कोई भी उम्र के हैं, आप बच्चे हैं तो आप ये फील कर सकते हैं, बड़े हैं तो फील कर सकते हैं. आप टीनेजर हैं तो आपको आपका बचपन याद आएगा, पेरेंट्स की याद आएगी. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्टेंट फिल्ड फिल्म जिसमें एडवेंचर भी है और बहुत सारा थ्रिल भी है एंड इमोशंस हैं. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज विच गोज स्पेशली हमारे कंट्री में, इंडिया में, जो हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं ऑफ लीनियर फैमिली, कि हम उसको किस तरह से बैलेंस कर सकें, किस तरह से हम समझें बच्चों के मन में क्या फील है, उनके दिलों में क्या बीतती है. हम तो काम पर चले जाते हैं लेकिन बच्चे क्या फील करते हैं. सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. स्टार कास्ट इज अमेजिंग. मुझे इनका ट्रेलर इतना पसंद आया. रवि कुमार जी को भी बधाई देना चाहूँगी. आई थिंक वो जो आपका अवार्ड शो था जहाँ पर आपके चले थे तो पूरी दुबई में हलचल मच गई थी इस फिल्म की. सो हम सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से. एंड ऑफ कोर्स फाइनली
इट्स ऑल ऑन द मीडिया आई वॉन्ट यू ऑल टू रियली गो अहेड और इसके मैसेज के बारे में बात कीजिए लोगों से आई थिंक इट हैज अ ब्रिलियंट मैसेज कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू